In your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. सो गाइज दिस इज़ एप्पल मैकबुक प्रो विथ एम वन चिप एंड मैं इसको लास्ट एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ हैव सम थॉट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्या हाल है दोस्तों मेरा नाम में ए डी पी वेलकम टू रिव्यू शिव्यू सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में लेकिन उससे पहले बता दूँ लैपटॉप के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो कि लाइक like बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे ये एक सिक्सटीन जी बी रैम वाला वेरियंट है लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आप एकदम श्योर नहीं हो कि आपका जो यूसेज है उसके लिए आपको सोलह जी वाली रैम चाहिए तो आप इसमें स्विच मत करना आप एट जी रैम के साथ भी सारे काम कर सकते हो क्योंकि इसकी रैम मैनेजमेंट स्पॉयलर अलर्ट बहुत बढ़िया है सो so दोस्तों बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन पे आते हैं एंड सबसे पहले बता दूं बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुकिंग लैपटॉप है एंड काफ़ी ज़्यादा पतला लैपटॉप है वेट इसका सिर्फ वन पॉइंट फोर का है एंड इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्ड एंड डिज़ाइन में वो थी इसमें पोर्ट्स काफ़ी कम हैं आपको सिर्फ दो पोर्ट्स मिलते हैं दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स एंड सारे काम तो नहीं हो पाएंगे लाइक अगर आपको माइक्रो एस कार्ड रीड करना है तो आप नहीं कर सकते हो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये हाइपर ड्राइव एंड इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा आप जाके चेकआउट कर सकते हो बढ़िया हाइपर ड्राइव है मैं लास्ट एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक सो so, दोस्तों मूविंग टूवॉर्ड्स दी थ्री पॉइंट जैक जो कि राइट साइड में है इस लैपटॉप के बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आउटपुट आपको ये प्रोड्यूस करके देगा जब भी आप हेडफोन या ईयोन यूज़ कर रहे हो एडिटिंग के टाइम पे या मूवी देखते टाइम सो so, इसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे मूविंग टूवर्ड्स दी ट्रैक पैड नाउ ट्रैक पैड इसका जेस्चर ड्रिवन ट्रैक पैड है एंड इसमें आपको कोई भी फ़िजिकल क्लिक नहीं मिलता मतलब दे इज नो फिजिकल बटन जिसको आप क्लिक कर सको आप बस प्रेशर डालोगे क्लिक के लिए एंड यू विल गेट अ हैप्टिक फीडबैक इस पूरे ट्रैक पैड में कहीं पे भी फ़िज़िकल बटन नहीं है और फिजिकल क्लिक नहीं है यूल ओनली गेट हैप्टिक फीडबैक और काफ़ी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की हैप्टिक फीडबैक है मतलब इनिशियली तो मुझे पता भी नहीं था कि हैप्टिक फीडबैक है आई वॉज थिंकिंग ये क्लिक है लेकिन अभी रिसेंटली मुझे मालूम चला कि हैप्टिक फीडबैक और क्लिक नहीं है सो इसमें कोई भी फिजिकल बटन नहीं है एंड ये एक जेस्टर ड्रिवन ट्रैक पैड है काफ़ी स्मूथ ट्रैक पैड है और मैं ये बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड्स है ये किसी भी लैपटॉप के सो आपको ये ट्रैक पैड डेफिनेटली पसंद आने वाला है अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में जो ट्रैक के जस्ट ऊपर है कीबोर्ड इस प्राइस सेगमेंट में मैं बोलूँगा अच्छा है इट्स नॉट वेरी फैंसी एंड इस प्रीमियम प्राइस पे डेफिनेटली एक बेटर कीबोर्ड हमको मिल सकता था सो so, रिक्वेस्ट है अगर एप्पल से कोई देख रहा है जिसके चांसेस आप वेरी लेस अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ की को थोड़ा और एनहांस कर सकते हो तो बेटर रहेगा बाई द वे ये एक बैकलेट की है एंड अंधेरे में आप इजीली यूज़ कर सकते हो जो बैकलेट की ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो सकती है सो so, आपको अंधेरे में काम करते हुए इस कीबोर्ड पे या इस लैपटॉप पे कोई दिक्कत नहीं होगी टॉकिंग अबाउट द स्पीकर्स जो आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं लैपटॉप के राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स हैं एंड इसमें जो आपको ट्रेबल मिलने वाला है और जो मिट्स मिलने वाले हैं मतलब वोकल्स बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्प रहने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लाउड भी हो जाते हैं सो ऑल टुगेदर ये बहुत ही अच्छे पेयर ऑफ स्पीकर्स हैं एंड आप डेफिनेटली एन्जॉय करने वाले हो इन स्पीकर्स के थ्रू चाहे आप वीडियो देख रहे हो या फिर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो इवन आप एडिट भी कर सकते हो इन स्पीकर्स को यूज़ करते हुए दीज आर दैट गुड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी डिस्प्ले डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़्यादा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है एंड कोई भी कलर शिफ्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है अलग अलग व्यूइंग एंगल से सो उस मामले में ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है लेकिन इसमें बेजल्स जो हैं वो थोड़े मोटे हैं क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आप डेल एक्सपीस को कंसीडर कर सकते हो उसमें बेजल डिस्प्ले आता है ऑलमोस्ट और उसका डिस्प्ले इससे दिखने में ज़्यादा अच्छा है मतलब ओवरऑल ऐसे लेकिन ये डिस्प्ले रेजोलूशन के साथ बोल लो या कलर एक्यूरेसी के साथ बोलो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले एक चीज़ और जो आपको ज़्यादा अनॉय करेगी वो है ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है ये ग्लॉसी डिस्प्ले है जिसकी वजह से अगर लाइट डायरेक्टली गिर रही है डिस्प्ले पे एंड आप सर्टेन एंगल पे बैठे हो जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोय करने वाली है लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले डिस्प्लेज टॉप नॉच बेजल्स थोड़े कम होते और एंटी ग्लेयर होता तो ये पिच परफेक्ट डिस्प्ले हो सकता था मूविंग टूवर्ड्स दी वेब कैम नाव वेब कैम इस लैपटॉप का मुझे एवरेज लगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं हम लोग एंड उसके हिसाब से वेब कैम ओकेश है लेकिन जो माइक है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है सो so जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या सपोज मीटिंग वगैरह में हो तो आपकी जो ऑडियो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस लैपटॉप के माइक के थ्रू सो so ये चीज़ मुझे पसंद आई लेकिन वीडियो डेफिनेटली और बेटर हो सकती थी काफ़ी बेटर हो सकती थी टू बी ऑनेस्ट नाउ टॉकिंग अबाउट दी टच बार टच बार इसका मल्टी फंक्शनल टच बार है बहुत सारे फिज़िकल बटन्स को रिप्लेस कर रहा है बट सेटिस्फैक्शन आपको जो मिलता है फिज़िकल बटन प्रेस करके वो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है एंड एक अच्छा टच बार है मतलब ये एक ओवरलेट डिस्प्ले है बेसिकली जो एक टच डिस्प्ले है एंड क्योंकि आप सर्टन एंगल पर देखते हो उस टच बार को क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं देख रहे होते हो आप जहाँ से भी बैठे हो आपकी नज़रें ऐसे स्लाइड होते हुए जाएंगी ठीक है 45 डिग्री या कैसे 60 डिग्री पे सो कलर शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं जनरली एक डिस्प्ले में लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है सो so ये चीज़ मुझे पसंद आई बट डेफिनेटली जो फ़िज़िकल बटन्स हैं आप उसको मिस करोगे क्योंकि फिज़िकल बटन होता सपोज आप एक बटन दबाते ही जो वॉल्यूम उसको नीचे कर सकते हो कम कर सकते हो ज़्यादा कर सकते हो इसमें आपको ऐसे दो बार प्रेस करना पड़ेगा सो नंबर ऑफ़ प्रेस बढ़ जाते हैं आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट सो ये चीज़ मैंने नोटिस की ओवरऑल बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है मतलब डील ब्रेकर ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट एंड ठीक ठाक है फिजिकल बटन होते तो मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस जो कि किसी भी लैपटॉप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सो so, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बिगेस्ट जम्प्स हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझाता हूँ ये एक आठ कोर का चिप है जो पांच नैनोमीटर पे बेस्ड है एंड ये एक दस वाट का चिप है समझो लो दस वाट सिर्फ दस वाट का चिप है अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो जितने भी नॉर्मली चिप्स आते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में वो 20 वॉट से लेके 60 वॉट तक के चिप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करने वाले चिप होते हैं ये सिर्फ 10 वॉट का चिप है एंड इसकी परफॉर्मेंस कैसी है लाइक डे टू डे टास्क तो आप इजीली हैंडल कर लोगे जैसे आपने 10-15 टैब्स खोल रखे हैं सफारी में या क्रोम में इजी वीजी की तरह ये हैंडल कर लेगा लैपटॉप कोई दिक्कत नहीं आएगी वॉट्स एवर मैंने तब एक भी लैग इसमें नोटिस नहीं किया ना फील किया कहीं पर भी स्लो नहीं हुआ लैपटॉप ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क हैं एंड हम एक्सपेक्ट भी करते हैं ये ईजिली हैंडल करेगा क्योंकि इतना महंगा लैपटॉप है ये सो so ऑब्वियसली इसको ये सारी चीज़ें तो ईज़िल हैंडल करनी चाहिए आई एल नॉट टेल यू अबाउट एनी गीक स्कोर स्कोरियर क्योंकि आपको हर जगह मिल जाएगा मैं आपको बताता हूँ कि प्रीमियर प्रो मैं यूज़ करता हूँ फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहा हूँ सो so उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी क्योंकि एडिटिंग में सी पी यू पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है प्रीमियर प्रो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ऑप्टिमाइज नहीं है एंड उस पर मैंने फुल एच डी वीडियो विथ कलर ग्रेडिंग एंड दो लेयर की वीडियो थी मैंने एक्सपोर्ट करी इट टुक मी थर्टीन मिनट्स ठीक है एंड ये एक नॉन ऑप्टिमाइज प्रीमियर है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी थी ये मतलब जो टाइमिंग मेरे को मिली एंड बाई वीडियो सात से आठ मिनट तक की थी सेम वीडियो क्लिप सब कुछ सेम मैंने फाइनल कट प्रो में एक्सपोर्ट करी एंड इट टुक टू मिनट्स थर्टी सिक्स सेकेंड कैन यू इमेजिन मतलब ढाई मिनट में इसने एक फुल एच वीडियो सिक्सटी एफ वाली कलर ग्रेडिंग के साथ दो लेयर वाली ईजीली एक्सपोर्ट uh, कर दी ढाई मिनट में सिर्फ मूविंग टूवर्ड दी फोर के वीडियो एक्सपोर्टिंग सो so, सेम प्रीमियर प्रो पर मैंने एक फोर के वीडियो एक्सपोर्ट करी लेंथ थी ऑलमोस्ट सात से आठ मिनट तक की दो लेयर की वीडियो थी एंड उसमें कलर ग्रेडिंग भी थी जनरली नॉर्मल सिनारियज़ में प्लेबैक भी नहीं होता फुल रेजोल्यूशन पर प्रीमियम प्रो पे लेकिन फुल रेजोल्यूशन पर मैंने प्लेबैक भी किया टाइम लाइन में एकदम स्मूथली ग्लाइड कर रहा था मैं एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई एंड एक्सपोर्ट जो मैंने किया उसके लिए जो प्रीमियर प्रो इट टुक नियरली 22 टू मिनट्स एटीन सेकेंड्स एंड जो फाइनल कट प्रोवा सेम क्लिप सब कुछ सेम इट टुक फोर मिनट्स एंड सिक्स सेकेंड्स कैन यू इमेजिन दिस 22 मिनट से चार मिनट पे मतलब आप सोचो अगर एक सॉफ्टवेयर जो ऑप्टिमाइज्ड है इस पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए वो कितना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको दे सकता है सो दैट इज़ वाई आई सेट कि ये बिगेस्ट जंप है किसी भी टेक्नोलॉजी uh, फील्ड में आप बोल सकते हो क्योंकि एक 10 वॉट का चिप है सिर्फ पावर कम कंज्यूम कर रहा है और परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी दे रहा है एंड क्योंकि एक 10 वॉट का चिप है तो आपकी बैटरी बैकअप भी इंप्रूव हो गई सो so, बैटरी बैकअप आपको कितनी मिलती है इस लैपटॉप में अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हो सिर्फ एंड थोड़ी बहुत ब्राउजिंग करे हो टाइपिंग कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट तेरह से चौदह घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा विच इज़ इनसेन एंड सपोज आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो कंटिन्यूसली तो आपको ऑलमोस्ट सात से नौ घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा विच इज़ अ फार क्राई फॉर मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एडिटिंग कर रहे हो तो सी पी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड जो लैपटॉप्स हैं वो मैक्सिम दो घंटे ढाई घंटे तक का बैकअप देते हैं सात से नौ घंटे तक का बैकअप इज़ इज़ अमेजिंग मतलब आप जितना पैसा पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको हर चीज़ एप्पल प्रोवाइड कर रहा so, है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस डिस्प्ले बिल्ड एंड एवरीथिंग सो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट पैकेज है एंड बाय द वे इस लैपटॉप को चार्ज करने में आपको ऑलमोस्ट दो घंटे से लेके दो घंटे दस पंद्रह मिनट तक लग जाता है दो घंटे बीस मिनट पकड़ लो सो ओवरऑल ये जो लैपटॉप है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड अगर आप खरीदने का सोचो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली खरीदो लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो मैं बिल्कुल भी लैपटॉप सजेस्ट नहीं करूँगा आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी गेम्स आप खेल सकते हो बट हैवी गेमिंग के लिए जो अच्छे गेम्स होते हैं उनके लिए ये लैपटॉप डेफिनेटली नहीं है लेकिन नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए एडिटिंग के लिए अगर आप प्रोफेशनल हो ऑफिस वगैरह में यूज़ करना चाहते हो ये लैपटॉप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ट्रस्ट मी बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वॉट सो so दोस्तों यही था पूरा वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी फर्दर अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है इस लैपटॉप को लेके, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अंटिल देन ओवर एंड आउट